हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहनवाज ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा हॉस्टल के रिगार्डिंग होने वाला है और मैं आप सबको हॉस्टल के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाला हूं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सब हमें बहुत कमेंट कर रहे हैं कि हॉस्टल का अलॉटमेंट लेटर आया है कि नहीं, कब से हॉस्टल अलॉट होगा, क्या हम आकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, पूरा मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहो और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही कॉलेज रिलेटेड ब्लॉग बनाता हूँ और बनाता रहूँगा। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने हॉस्टल का पेमेंट कर दिया है वो आकर रह सकते हैं, वो कल हो या परसों या कभी भी हो, वो आकर अपना शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसका हॉस्टल का पेमेंट हो गया। तो उसका जब मन होगा वो आएंगे हॉस्टल में, शिफ्ट हो जाएंगे। और मैं उन सब के लिए बता दूं जिसने अभी तक हॉस्टल का फॉर्म भी नहीं भरा है और ना ही हॉस्टल का पेमेंट किया है, वो सब आकर कैसे रह सकते हैं। तो वो आएंगे हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे और उसी टाइम हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, तो आसानी से रह सकते हैं। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपको करवाना अनिवार्य है, आपको करवाना होगा। और गाइज, मैं उन सब के लिए बता देता हूँ जिसने अभी तक हॉस्टल का फॉर्म नहीं भरा है, तो उन सब के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो कल हो या परसों जब आएंगे हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे उसी टाइम हॉस्टल अलॉट हो जाएगा और वो आसानी से हॉस्टल में रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दिक्कत यही है कि आप सबका क्लास स्टार्ट हो गया है और आई थिंक आप सबका इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है जो कि एक वीक चलेगा, उसके बाद आप सबका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द क्लास आइए, आप सबके लिए ही बेटर रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप क्लास मत मिस कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप, स्टार्टिंग का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो स्टार्टिंग का क्लास मत मिस कीजिए, बहुत ही बेनिफिट रहता है, स्टार्टिंग में बहुत कुछ बताया जाता है। तो जल्द से जल्द आप क्लास आइए, उतना ही अच्छा रहेगा। तो जितना जल्दी आप क्लास आएंगे उतना बेटर रहेगा आप सबके लिए। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि कॉलेज की अटेंडेंस बनता है, आपको उसमें 75% पुराने ही पुराने हैं। अगर आप 75% नहीं पुरा पाते हो तो आपके घर नोटिस जाएगा कि आपका 75% नहीं पुरा है, आपको फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाएगा। तो इसलिए गाइज, मैं आप सबको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जल्द से जल्द क्लास आ जाओ, आप सबका क्लास भी स्टार्ट है, जल्द से जल्द बायोमेट्रिक लगाओ। जितना आप बायोमेट्रिक कम्प्लीट करेंगे आपका 75% मेंटेन रहेगा, बेनिफिट रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जल्द से जल्द आओ कॉलेज और क्लास अपना स्टार्ट कर दो, सही रहेगा, क्योंकि पहले का यूनिवर्सिटी नहीं है कि अटेंडेंस बनेगा या ना बनेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले का जो यूनिवर्सिटी था AKU जो कि चेंज होकर BU में कन्वर्ट हो गया है, तो पहले की तरह नहीं है। आपको इस यूनिवर्सिटी में आपको पुराने ही पुराने हैं, नहीं तो आपको फॉर्म भी नहीं भरने दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द क्लास आओ और अपना क्लास करो और टाइम पे अपना बायोमेट्रिक बनाओ, सही रहेगा। बायोमेट्रिक का टाइम है 10 से 11 के बीच में मॉर्निंग में लगता है और शाम में 4 से 5 के बीच में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगता है, तो आप टाइम पे अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाओ, बहुत ही सही रहेगा। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे जाकर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ हर टाइम एक्टिव रहता हूँ कि आपका रिप्लाई हर टाइम दे पाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी जाओ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और आप जो भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे या पूछेंगे वहाँ पे मैं जल्द से जल्द जवाब दे दूंगा। इसलिए जाओ फॉलो कर लो, ब्लॉग में बने रहो और देखते रहो शहनवाज के ब्लॉग। तो इसी के साथ गाइज, हम ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।